हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जावेद है और आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिस तरह के न्यू अपडेट आई है कि हीलियम 10-2 जो है वो अब दुबई में अवेलेबल है और हम लोग इसको यूज़ करते हुए प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी आप लोगों के साथ डाटा शेयर किया था। एक वीडियो मैंने बाकायदा बनाई थी कि आप लोग दुबई और कैसे में आप लोग मैनुअली हंटिंग किस तरह कर सकते हैं और ट्रिप लाइन मेथड क्या है, उससे हम लोग किस तरह हम लोग हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हीलियम 10 टूल को यूज़ करते हुए हम लोग पूरा रिसर्च किस तरह कर सकते हैं। देखें, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हंट अ कीवर्ड नॉट अ प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि आप कीवर्ड हंट करें ना कि प्रोडक्ट का, तो आप हमेशा कीवर्ड आइडियाज़ के ही टेक्निक्स लगाया करें। जब कीवर्ड्स आ गए तो खुद बखुद प्रोडक्ट आपके पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स डिस्कस करूंगा जिनको यूज़ करते हम लोग कीवर्ड आइडियाज निकालेंगे, फिर वहाँ से मजीद उस प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे। देखिए, प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर काफ़ी स्टेप्स आते हैं कि पहला स्टेप ये होता है कि आप कीवर्ड आइडियाज लें, कीवर्ड रिसर्च करें, वहाँ से कीवर्ड निकाल निकाल कर आप लोग उसको मार्केट में सर्च करें। फिर दूसरा काम ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट को एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद आपको प्रोडक्ट पसंद आ गई, मतलब नीच अच्छी नीच है, फिर उसमें आप कंप्लीट एनालिसिस कर लें। कंप्लीट एनालिसिस आपने कर लिया, फिर आप उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्राइसिंग स्ट्रेटजी बना लें। ठीक है, डिज़ाइन सिलेक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सही है ना? तो ये सारा एक पूरा प्रोसीजर है प्रोडक्ट रिसर्च का। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए किस तरह प्रोडक्ट्स निकाल कर सकते हैं और उनको आप लोग किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। सही है, तो एज ऑलवेज जो बेस्ट मेथड है कि आप ये है कि बेस्ट सेलर्स में जाएं। सही है, बेस्ट सेलर्स में आप आ गए और किसी भी आप अनगेटेड कैटेगरी को आप ओपन कर लें। मैंने किचन को ओपन कर लिया। आप इसमें भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही है हमारे पास। फ्रूट फॉक्स, सही है, इसको आप देख लें, आप देख लें जी। मफिन कपकेक मोल्ड देख लें, सही है। और चले मैं इधर आता हूँ, मफिन कपकेक मोल्ड देख लेता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक वाटर बॉटल को निकाला होगा। सही है, आप लिख लें कपकेक मोल्ड। सही है, आपको कीवर्ड मिल गया ना बेस्ट सेलर में। वहाँ से हमने किसी अनगेटेड कैटेगरी को उठाया। अनगेटेड कैटेगरी को उठाने के बाद हम लोग अमेजोन मार्केट एक और हमने अलग टैब में ओपन करी है, वहाँ पे आप आकर हमने उस प्रोडक्ट को हमने सर्च आउट कर लिया। सही है, तो वही बात कि आप पहले कीवर्ड आइडियाज दें, फिर आप उस प्रोडक्ट को एनालाइज करें। अब ये हमारे पास आई थिंक सारी जो भी इसका लिस्टिंग है वो ओपन होके आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसके ऊपर इधर ही हम लोग हीलियम 10 एक्सरे एक्सटेंशन रन कर देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट है क्या, इसकी डिमांड क्या है, कितने कंपटीशन है, क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, क्या सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है। तो हमें सब कुछ यहाँ से हमें इजीली हमें जो है वो कंफर्म हो जाएगा। सही है, तो अपने यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, आपने हीलियम 10 एक्सटेंशन चला देंगे। तो ये डाटा हमारे सामने आ गया। सही है, ये डाटा सामने आने के बाद हम लोग देख लेंगे कि ऐड वालों को रिमूव कर देते हैं हम लोग, ताकि ऐड वाला डाटा हमें चाहिए ही नहीं, कर दिया। उसके बाद आप देख लें कि प्रोडक्ट में रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू नहीं, प्रोडक्ट तो बिल्कुल डेड है, रेवेन्यू नहीं है इसमें। मतलब ये क्या, बस खुशी की बात यह है कि इसमें हीलियम 10 जो है वो वर्केबल है और इजिली हम लोग वर्क उसके ऊपर कर रहे हैं। सही है, और अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, कोई मसला नहीं है। प्रोडक्ट नहीं मिल रही, आप और डिफरेंट क्राइटेरिया लगा लें, आप और डिफरेंट टेक्निक्स लगाकर अच्छे अच्छे कीवर्ड निकाल लें, यहाँ पे आप देखते जाएं। सही है, एक तो ये मेथड हो गया ना कि आप उनकी जो है ना एक अनगेटी कैटेगरी में जाकर प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे आप हीलियम 10 क्या करें, यहाँ पे डायरेक्ट हीलियम 10 एक्सटेंशन रन कर दें। सही है, हीलियम 10 एक्सटेंशन आपने रन कर दी। अब यहाँ पे होता है कि हम लोग करेंगे रिवर्स सेशन। रिवर्स सेशन करके हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड आ जाएंगे, उनको भी हम लोग मजीद यूटिलाइज करके हम लोग कीवर्ड आइडिया मैक्सिमम हम लोग निकाल सकते हैं। इनको आप सिलेक्ट करते जाएं जी, बाय रेवेन्यू से मैंने सॉर्ट आउट कर लिया। अच्छी सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, सही है ना, डाटा निकालने की। तो कीवर्ड आईडी निकालने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, हम लोग इनको यूज़ करते हैं। आप इस तरह इनको यूज़ करते हुए बहुत सारे कीवर्ड निकाल सकते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी। ये रिसेंटली ही हीलियम 10 लॉन्च हुआ है दुबई मार्केट में,
और इंशाल्लाह ये कैसे मार्केट में भी आ जाएगा। ये आ गया, ये नीचे हमारे पास कीवर्ड आ गए। आप क्या करें, सर्च वॉल्यूम से हाई टू लो आप इसको सॉर्ट आउट कर लें। सही है, सॉर्ट आउट आपने कर लिया। अब आपके पास डाटा आ गया, लंच बॉक्स देख लें, एयर फ्राई देख लें, लंच बैग देख लें। हम लोग देख लेते हैं जी लंच बॉक्स को। सही है, देखें ना हमें डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड आइडियाज मिल गए। अब आप प्रोडक्ट्स आप एनालाइज कर लें कि प्रोडक्ट कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है क्राइटेरिया पे है ये नहीं है। सही है, अब कीवर्ड आईडी मिल गया। अगेन प्रोडक्ट सर्च में पहला काम कीवर्ड आइडिया है, उसके बाद दूसरा काम प्रोडक्ट एनालिसिस है। आप उसके प्रोडक्ट को एनालाइज करें, इन्स एंड आउट देखें उस प्रोडक्ट की। यहाँ पे हमने क्या करेंगे, इधर हीलियम टर्निंग एक्सटेंशन रन कर देंगे। ये तो मैंने अभी फिलहाल आप लोगों को पहला मेथड बताया कि आप बेस्ट सेलर में जाएं, वहां से कीवर्ड खुद उठा लें, नहीं तो फिर आप उनके आप बार बार रिवर्स सेशन करते हैं। सही है, ये बड़ा अलग लेवल का तरीका है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा ये डाटा फैच होने में। अब ये प्रोडक्ट का डाटा हमारे सामने आ गया। सही है, आप क्या करें, इसको पहले फिल्टर वालों को आप रिमूव कर लें। सही है, रिमूव हो गया। उसके बाद अब आप देख लें इस प्रोडक्ट को, आप देख लें कोई ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, कोई ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। सेलिंग प्राइस जैसे पता फ्लक्चुएट होगी, डिफरेंट डिजाइन आए हुए हैं। डेली आप मंथली सेल देख लें इसके, 566 हैं, 130, 193, 35, 56। सही है, आप रेवन्यू में देख लें, 22,000, 5,000, 14,000, 3,000, 64,000। मतलब रेवन्यू भी मतलब ठीक है, इस मार्केट क्लास से अच्छा रेवन्यू है। आप उसके बाद रिव्यूज देख लें, रिव्यूज तो है नहीं ना बिल्कुल, लेकिन 91 रिव्यू के साथ 22,000 की सेल उठा रहा है। रेटिंग देख लें, रेटिंग तकरीबन अच्छी है। उसके बाद कैटेगरी किचन है, किचन के बाद आगे अमेजोन खुद बेच रहा है, इसके अलावा बाकी सारे थर्ड पार्टी सप्लायर्स बैठे हुए हैं FBA वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को बार बार आप इसको एंड एंड आप सारी देख लें, और इसका आप ग्राफ भी साथ साथ देख लें ताकि प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है। सही है, तो ये सारी चीज़ें होती है चेकआउट करने के लिए। ठीक है, ये सरा इनका जाहिर सी बात है, अभी ही वो रिसेंटली लॉन्च हुआ था, इनके पास ज़्यादा डाटा नहीं है, तो भी चौथे महीने से इन्होंने डाटा फेच करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये हो गया पहला मेथड। ठीक है, क्या आप बेस्ट सेलर में जाकर किसी भी आप रिवर्स सेशन करते हैं और कीवर्ड आइडियाज लेते हैं। सही है, दूसरा मेथड ये है कि आप सब कैटेगरीज में जाएं। ठीक है ना, सब की सब कैटेगरीज में जाएं, आप वहां पे फिर वन बाय वन आप कीवर्ड उठाते हैं, या वन बाय वन आप क्या करें कि आप जो है ना वो रिवर्स सेशन करते हैं। आपको यहाँ से बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज मिल जाएंगे, आप उनको मजीद रिसर्च आउट करके प्रोडक्ट को एनालाइज करते जाएं। दूसरा आप मेथड जो है वो ये है कि आप मैगजीन में जाएं, मैगजीन में जाकर कोई भी अब्रॉड कीवर्ड लिखें, प्लास्टिक लिख के आप गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करें और सर्च वॉल्यूम से आप हाई टू लो सॉर्ट आउट कर लें। तो अब ये देखें वाटर बॉटल आ गई, लंच बैग देख लें, टोट बैग देख लें, ऑफिस चेयर, जितनी भी प्रोडक्ट्स आप इनको वन बाय वन देखते जाएं जिनमें सेल अच्छी है, पूरा क्राइटेरिया भी उसको आप लॉन्च कर दें। दैट्स बात, अब वो एनालिसिस जरूरी है। सही है, एक ये चीज़ होगी। उसके अलावा हम लोग ब्लैक बॉक्स को भी यूज़ करते हुए हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। सही है, और वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मतलब ये जो मेन टैक्टिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, यही हैं कि आप इन्हीं को यूज़ करते हुए आप प्रोडक्ट रिसर्च करते रहें, और आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट तो लाजमी मिल ही जाएगी दुबई मार्केट के लिए। और अब तो जाहिर सी बात, अब ये एक इमर्जिंग मार्केट है, अपने दिन ब दिन ग्रो ही करना है। ये हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स ओपन कर लिया, एडवांस पे आ जाएं और पहले यहाँ पे आप मार्केट चूज कर लें कि जिस मार्केट में आपको प्रोडक्ट चाहिए। मैंने कर दिया एई सऊदीया और दुबई। ठीक है, किस कैटेगरी में चाहिए प्रोडक्ट हमें, मैं कहता हूँ जी हमें प्रोडक्ट आप दे दें जी ऑफिस में चाहिए। ऑफिस में कर लिया आप, मैं कहता हूँ प्राइस मिनिमम 40 हो, मैक्सिमम 150 हो। आ गया रिव्यूज, अब कहता हूँ मिनिमम 10 तो होने चाहिए, और रेटिंग मिनिमम 4.2 होनी चाहिए,
मंथली रेवेन्यू मिनिमम जो है वो 5,000 होना चाहिए, ये कर लिया। और उसके बाद आप और बस ठीक है, आप सर्च कर रहे हैं। जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स आइडियाज आ जाएंगे। अब आप यहाँ से भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स को आप फेच आउट कर सकते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट है जिसमें इस तरह का रेवेन्यू आ रहा है, उसमें इस कैटेगरी में रिव्यूज कम से कम हो, रेटिंग अच्छी से अच्छी हो, हाई सेल हो। हम ये देखें, वाटर कलर पेंट आ गया, अल्कोहल मार्कर्स ब्रश आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ से वन बाय वन प्रोडक्ट को देखते जाए और उसको चेकआउट करते हैं, तो उम्मीद आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। देख देखना, ये 20,000 का रेवेन्यू उठा रहा है। आप देखते हैं वो प्रोडक्ट को बार बार एनालाइज करके उनको आप लॉन्च कर रहे, सही। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत आपके काम आएगी। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो बता दो। जाहिर सी बात, इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं कीवर्ड आइडियाज देने की, ये तो बस मैंने मेन मेन ही शेयर किए ताकि बता सकूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।